राजद सुप्रीम लालू प्रसाद यादव ने पीएम मोदी को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा, मुंबई में नरेंद्र मोदी के नट्टी पर चढ़ने जा रहे हैं हम लोग आज। नरेंद्र मोदी के नट्टी पकड़े हुए हैं, उनको हटना है। लालू ने मुंबई में होने वाली इंडिया गठबंधन की बैठक के लिए मुंबई रवाना होने से पहले ये बातें पटना एयरपोर्ट पर कही। इस दौरान उनके साथ बिहार के डिप्टी सीएम और उनके छोटे बेटे तेजस्वी यादव भी थे। लालू प्रसाद यादव ने बीजेपी और पीएम मोदी पर सीधा हमला बोलते हुए विवादास्पद बयान दे दिया। मंगलवार को वे पटना एयरपोर्ट पर पहुंचे थे, जहां से उन्हें मुंबई रवाना होना था। इस रवानगी से पहले मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए लालू यादव चुटीले तंज कसने लगे और इसी दौरान उन्होंने कहा कि मुंबई में नरेंद्र मोदी की नट्टी पर चढ़ने जा रहे हैं हम लोग आज। नरेंद्र मोदी की नट्टी पकड़े हुए हैं, उनको हटना है। आपको बता दें, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पहले भी केंद्र और बीजेपी पर हमलावर रहे हैं। इंडिया गठबंधन बनने के बाद उन्होंने कई बार पीएम मोदी पर सीधा हमला बोला है। इससे पहले बीते दिनों वो पटना में छात्र राजद भारत DSS के एक दिवसीय कार्यक्रम में पहुंचे थे। लालू ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा था कि इंडिया नाम रखने के बाद बीजेपी का जीना दुश्वार हो गया है, हम लोग पूरे देश में बीजेपी के विरोध में मजबूती से लड़ेंगे। इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में मुकाबला एक एक सीट पर सीधा होगा। एक तरफ बीजेपी पार्टी के रहेंगे, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार होंगे। इंडिया नाम की चारों तरफ तारीफ हो रही है। अब नरेंद्र मोदी का 2024 के चुनाव में सफाया हो जाएगा। बीजेपी के नेतृत्व में NDA का मुकाबला करने के लिए 26 दल एक साथ आए हैं। विपक्षी गठबंधन की पहली बैठक 23 जून को पटना में हुई थी, जबकि दूसरी बैठक 17-18 जुलाई को बेंगलुरु में हुई थी। इसी बैठक में गठबंधन को इंडिया नाम दिया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, BDTV उत्तर प्रदेश।